नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो फिल्म आनी थी डबिंग, हिंदी डबिंग प्रेम गीत थर्ड, वो जल्द ही रिलीज होने की बात करी जा रही है भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ सिनेमाघरों में उसका टीजर है, वो जल्द आने की बात की जा रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में कि वो कितना कलेक्शन कर सकती है फिल्म, और इसके अलावा कौन सी ऐसी सुपरहिट फिल्में हैं नेपाल की जो भी होनी चाहिए हिंदी में डबिंग। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो नेपाल में सुपर डुपर हिट हुई, और उनके कंटेंट को अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पे पसंद किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई यहाँ पे माइंड लगाने वाला हुआ नहीं, या फिर इतना खर्चा करने वाला नहीं होगा इस कारण से, या फिर किसी अन्य रीजन से इसका हिंदी डबिंग या इंग्लिश डबिंग नहीं दिखाया गया, यानी कि ज़्यादातर फिल्में सिर्फ नेपाली में ही बनती हैं। वैसे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि नेपाली फिल्मों का कंटेंट वास्तव में नेचुरल और अपना एक यहाँ पे स्थान रखता है, वो किसी की कॉपी नहीं करते। और ऐसा ही प्रेम गीत थर्ड में है, उसका एक अपना कंटेंट है और उसी के अकॉर्डिंग वो नेपाल में सुपर डुपर हिट होने वाली फिल्म है। अभी प्रेम गीत थर्ड आ रही है, जिसका पार्ट थर्ड है वो हिंदी में डबिंग हो रहा है, और उसमें जो हिंदी में डबिंग पार्ट है उसे भारत के काफ़ी सिनेमाघरों में फिल्माया जाएगा, जो देखना होगा कि कितनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाली है वो भारत में फिल्म, क्योंकि उसका जो कंटेंट है, उसका जो टीजर देखा है, वास्तव में कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया टीजर है और कहीं ना कहीं डिफरेंट सोच को दिखाता है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री की। तो सभी दर्शकों को बहुत ज़्यादा वेट है इस फिल्म के हिंदी डबिंग के लिए। नेपाल के अलावा भारत के भी बहुत ज़्यादा सिनेमाघरों में ये मूवी रिलीज होने वाली है, तो भारत के बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास भी कमेंट आ रहे हैं कि जल्दी से बताइए इसकी रिलीजिंग डेट, तो जैसे ही रिलीजिंग डेट आती है आएगी हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही पता चल चुका है कि बहुत जल्द इसका टीजर रिलीज होने वाला है, और टीजर के जस्ट बाद जल्द ही आएगी प्रेम गीत थर्ड का ये पार्ट हिंदी में। तो यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये भी कह सकते हैं कि नेपाली जो फिल्म इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है इस मामले में कि उन्होंने हिंदी में डब करवाया है। तो देखते हैं कितना कलेक्शन करती है, लगभग बिलियंस में जाना चाहिए इसका कलेक्शन, क्योंकि बढ़िया यहाँ पे फिल्म है ये। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों कि कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो नेपाल में सुपर डुपर हिट रही तो उनका भी डबिंग बनना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास बुलबुल। बुलबुल एक ऐसी फिल्म है 2019 में रिलीज हुई थी और बहुत सुपर डुपर रही थी, जिसका हिंदी डबिंग होना चाहिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। दूसरी यहाँ पे फिल्म है यहाँ जात्राई और जात्रा। जात्राई जात्रा फिल्म भी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही थी, इसका भी हिंदी डबिंग होना चाहिए। इसके अलावा तीसरी फिल्म है शैली, इसका भी हिंदी डबिंग होना चाहिए, और इसके अलावा गोपी फिल्म का भी हिंदी डबिंग होना चाहिए, क्योंकि ये सारी फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट रही थी। पाँचवें नंबर पर आता है ए मैरो हजूर। जी हाँ दोस्तों, इसका भी थर्ड पार्ट है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर हुआ था नेपाल में, तो उसका भी हिंदी डबिंग होना चाहिए ताकि भारत में भी पॉपुलरिटी बढ़े नेपाली सिनेमा की। और समर लव, इसके अलावा द मैन फ्रॉम काठमांडू और कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंटेंट को दर्शाते हैं, तो इन सभी फिल्मों के भी कहीं ना कहीं बनता है कि हिंदी डबिंग करवाकर नेपाल के अलावा जो आसपास के देश हैं वहाँ पे इनका सिनेमाघरों में फिल्माया जाए ताकि उनका कलेक्शन बढ़े, उनकी जो एरिया है जो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री का वो बढ़े, ताकि नेपाली फिल्म इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रोथ कर सके, या फिर उनके एक्टर्स हैं या आर्टिस्ट हैं या फिर जो फिल्म लिखते हैं या डायरेक्टर हैं, वो सारे के सारे भी इस क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं। और इंडस्ट्री का ऊपर जाना कहीं ना कहीं सभी के लिए फ़ायदा देता है, क्योंकि अगर भारी पैसा किसी देश में आता है तो वास्तव में भारत जो देश का विकास है उसकी दरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या इन सभी फिल्मों का हिंदी डबिंग होना चाहिए, अपने विचार जरूर मुझे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि जो प्रेम गीत थर्ड है उसका टीजर जल्द ही आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।